आज हम आपको कक्षा 9 हिंदी के संस्कृत पाठ से पहला पाठ सदाचार नामक पाठ को बताएंगे। शब्दार्थ तथा उसका व्याख्या। तो हम शुरू करते हैं। सताम सज्जनानाम आचार सदाचार। सत अर्थात सज्जनों का आचरण ही सदाचार है, सदाचार होता है। ये जना सदैव विचारयन् सदैव वदन्त सदैव आचरन् चैतेयो सज्जना भवन्त। जो लोग सत्य ही विचारते हैं, यानी सत्य के विषय में सोचते हैं, सत्य ही बोलते हैं, सत्य का ही आचरण करते हैं, वे ही लोग सज्जन होते हैं। आचार्य माने होता है आचरण, सद माने सत्य यानी सही, विचारंत माने सोचते हैं, बदंत माने बोलते हैं, आचरंत माने होता है आचरण करते हैं, भवंत माने होते हैं, सी की यान माने अपनी, शिष्ट माने सभ्यता होती। सज्जना यथा आचरंत तथैव आचरणम सदाचार भवत। सज्जन लोग जैसा आचरण करते हैं वैसा ही आचरण सदाचार होता है। सदाचारे सज्जना स्वीकियान इंद्रियान बसे कृत्वा सर्वे सशिष्टम व्यवहारम कुर्वन्त। सदाचार से सज्जन लोग अपनी इंद्रियों को बस में करके सबके साथ नम्र व्यवहार करते हैं, शिष्टता का व्यवहार करते हैं। मनुष्याणाम भूषणम नम्रता है, बिना ही मनुष्य का आभूषण। बिना शील जन सर्वेशां जनानां प्रिय भवत। बिना शील मनुष्य सभी लोगों में, सभी मनुष्यों में प्रिय हो जाता है। विनय सदाचारात उद्भवत। विनय सदाचार से ही पैदा होती है। सदाचारात न केवलं विनय अपितु विद्या अन्य सदगुणा भी संत, यथा धैर्यम दाक्षिण्यम संयम आत्मविश्वास निर्भीकता। सदाचार से न केवल विनय है बल्कि अनेक प्रकार के अन्य सद्गुण भी विकसित होता है, अनेक प्रकार के सद्गुणों का विकास करता है, जैसे धैर्य उदारता संयम आत्मविश्वास और निडरता निर्भयता। अस्माकं भारत भूमे प्रतिष्ठा जगत सदाचारादेवासीत। हमारे भारत भूमि की प्रतिष्ठा, हमारे भारत भूमि की ख्याति प्रसिद्धि संसार में सदाचार के कारण ही थी। पृथिव्यां सर्वमानवा स्वं स्वं चरित्रं भारत सदाचारात प्राणात जना शिक्षेरन। पृथ्वी पर सब मनुष्यों को अपना अपना चरित्र भारत के सदाचार का पालन करने वाले मनुष्यों से सीखना चाहिए। भारत भूमि अनेकेषां सदाचाराणां पुरुषाणां जननी। भारत भूमि अनेक सदाचारी पुरुषों की जन्मदात्री है, जननी है, माता है। एतेषां महापुरुषाणां आचारः अनुकरणीय। इन महापुरुषों के आचरण का पालन करना चाहिए, अनुकरण करना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। सदाचार नाम नियम संयमोह पालनम। नियम और संयम का पालन सदाचार होता है। इंद्रिय संयम सदाचारस्य मूल तिष्ठत। सदाचार के मूल में इंद्रियों का संयम ही रहता है। इंद्रिय संयम युक्त आहार विहारेण युक्त स्वप्नाबोधेन च संभवत। इंद्रियों का संयम
नियंत्रण, उचित भोजन तथा भ्रमण आदि से उचित रूप में सोने और जागने से ही संभव हो सकता है। किम युक्तम इत सदाचारेत निर्णेत शक्यते, क्या सही है, क्या उचित है, क्या उचित है, क्या गलत है, यह सदाचार से ही निर्णय किया जा सकता है। ये केव पुरुषाह मानत अभियंते सम्मेने सदाचारे उन्नति गता, जो कोई भी मान पुरुष हुए हैं वे संयम और सदाचार से ही उन्नति को प्राप्त हुए। यह जन जो लोग नियमेन अधिते यथा संयमे सेते जागृत खादत पीबत चैस निश्चयन अभिद्यम गच्छत, जो मनुष्य नियमेन माने नियम से, अधिते माने पढ़ता, यथा संयम सेते उचित समय पर सोता है, जागृत जागता है, खादत खाता है, पीबत तथा पीता है, वह निश्चित है उन्नत को प्राप्त होता है। सदाचारस्य महिमा शास्त्रेष् अपि वर्णितः, सदाचार की महिमा शास्त्रों में भी वर्णित की गई है, सदाचार की महिमा शास्त्रों में भी बताया गया है। जैसे सर्वलक्षण हीनो यपि यह सदाचारवान नरह, श्रद्धालु स्वच्च सतम वर्षाण जीवते, आचारात लभते आयुचारात लभते श्रियम, आचारात लभते कृतिम आचार परमं धनम। सर्वलक्षण हीनो यपि, सब प्रकार की भलाई से रहित होते हुए भी, ये माने जो सदाचारवान नर सदाचारी मनुष्य श्रद्धालु स्व सतम वर्षाण जीवित, सब प्रकार की अच्छाइयों से रहित होते हुए भी जो मनुष्य सदाचारी है वह श्रद्धा रखने वाला तथा ईर्ष्या न करने वाला होता है, वह 100 वर्षों तक जीवित रहता है। आचारात लभते हयाचारात लभते श्री, मनुष्य सदाचार से ही आयु प्राप्त करता है, यानी उसकी उम्र सदाचार से ही लंबी होती है। हयाचारात लभते श्री, हम सदाचार से ही लक्ष्मी प्राप्त करता है। अगर मनुष्य के अंदर सदाचार है तो लक्ष्मी उसको उसके पास अवश्य जाती है। आचारात लभते कृतिम आचार है परमं धनम, और सदाचार से वह ख्याति को कीर्ति को यानी प्रसिद्धि को प्राप्त करता है। आचार परमं धनम, सदाचार ही सबसे बड़ा धन होता है।